हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन जो हमारा यहाँ पार्ट सिक्स है, इसमें हम जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो हम यहाँ पार्ट सिक्स लेकर आ रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जानते रहिएगा। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन राइटर और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में, तो किस राइटर ने कौन सी बुक्स लिखा है, कौन सी बुक्स नहीं लिखा है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जानते रहिएगा, पार्ट सिक्स हमारा जो है वो इंडियन राइटर पर बेस्ड है, और जो पार्ट सेवन आएगा उसमें हम फॉरेनर राइटर को डिस्कस करेंगे, मतलब विदेशी राइटर और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स को। तो जानते रहिएगा, चाहे इंडियन राइटर की बात करें, फॉरेन राइटर की बात करें, दोनों को मिलाकर, मतलब पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन से मिलाकर कम से कम आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, क्योंकि हर साल ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राइटर ने कौन सी बुक्स को लिखा। या तो राइटर का क्वेश्चन में दे दिया जाएगा राइटर का नाम, और बुक्स को चूज करने के लिए 1, 2, 3, 4 में दे देगा ऑप्शन, कोई सही जो भी उसका होगा उसको आपको चूज करना रहता है, या फिर बुक्स का नाम क्वेश्चन में दे दिया जाता है और उस बुक्स को किसने लिखा है राइटर का नाम ऑप्शन में दे दिया जाता है 1, 2, 3, 4 या फिर ABCD, और आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो जानते रहिएगा, पार्ट सिक्स और पार्ट सेवन इन दोनों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे अच्छे से, तो कम से कम आपको 3 नंबर मिलेंगे और मैक्सिमम में आपको मिलेंगे 4 से 5 नंबर, इससे ज्यादा मिलने वाले नहीं है, जानते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी उनकी पुस्तक है। देखिए ए नंबर पे है कादंबरी, बी में है प्रेम वाटिका, सी में है पंचतंत्र, डी में है कामसूत्र। जानते रहिएगा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। देखेंगे एक ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन है सी, तो सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन है, रसखान की रचना है, मतलब रसखान जी ने कौन सी रचना लिखी थी, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ए नंबर पे देखिए है कादंबरी, बी में है मुद्रा राक्षस, सी में है राज तरंगड़ी और डी में है प्रेम वाटिका। तो जानते रहिए, रसखान द्वारा रचित जो उनकी रचना है वो है प्रेम वाटिका। देखेंगे ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है, मतलब कामसूत्र नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। देखिए ए नंबर पे है कल्लड़, बी में है रसखान, सी में है वात्स्यायन और डी में आया है विशाख दत्त। तो जानते रहे, कामसूत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं वात्स्यायन। तो देखिए ऑप्शन किसमें है, ये ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर दें। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की खोज जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसकी रचना है, मतलब इसको किसने लिखा था। तो देखिए ए नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी पे है सुभाष चंद्र बोस और डी में अटल बिहारी वाजपेयी। तो जानते रहेगा, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर एट, ए नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम किसकी रचना है, मतलब किसने लिखा था बुद्ध चरितम को। देखिए ए नंबर पर है बाणभट्ट, बी में है अश्वघोष, सी में है पाणिनि और डी में है रसखान। तो जानते रहिएगा, बुद्ध चरितम को लिखा था अश्वघोष ने, ये ऑप्शन देखिए किसमें है, ये ऑप्शन है बी नंबर पे, तो बी नंबर पे यहाँ पे हम क्लिक कर दें। सिक्स नंबर देखिए क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित रचना है, मतलब बाणभट्ट ने कौन सी रचना लिखी थी, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी थी। देखिए ए नंबर पे है कादंबरी, बी में है राज तरंगड़ी, सी में है पद्मावत और डी में है गीतांजलि। तो जानते रहिएगा, बाण भट्ट द्वारा लिखित रचना है कादंबरी, ये देखेंगे ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सेवन नंबर देखिए क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ऑप्शन ए में आया है कल्लड़, बी में है विशाख दत्त, सी में है अश्वघोष, डी में है वात्स्यायन। तो जानते रहिएगा, मुद्रा राक्षस लिखी गई रचना है विशाख दत्त की, देखेंगे ऑप्शन कहां आया है, ये ऑप्शन आया बी नंबर, तो बी नंबर पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, या फिर अष्टाध्यायी के कौन रचयिता है। ऑप्शन ए में देखिए है कल्लड़, बी में है पाणिनि, सी में आया है विशाख दत्त, डी में है बाण भट्ट। तो जानते रहिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, तो देखेंगे ऑप्शन कहां आया, ऑप्शन आया है बी, तो बी नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। नाइन्थ नंबर देखिए क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी किसकी रचना है, ऑप्शन ए में है कल्लड़, बी में है मैथिली शरण गुप्त, सी में है रसखान और डी में है बाण भट्ट। तो जानते रहिएगा, राज तरंगड़ी रचना है कल्लड़ जी की, तो देखेंगे ऑप्शन कहां है, कल्लड़ देखिए ऑप्शन है ए, ए नंबर को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। टेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, मतलब पद्मावत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में है देखिए बाणभट्ट, बी में है मलिक मोहम्मद जायसी, सी में है रसखान और डी में है विष्णु शर्मा। तो जानते रहिएगा, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना, तो देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी कहाँ पे आए, देखिए आए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इलेवेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है। अब देखिए ए नंबर पे आया है ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है सुद्रक और डी में है दांडी। तो जानते रहेगा, गीतांजलि जो है रचना है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ट्वेल्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है, वो कौन सी उनकी रचना है। देखिए ऑप्शन ए में है भारत भारती, बी में है मृक्ष कटिकम, सी में है राज तरंगड़ी और डी में है मिताक्षरा। तो जानते रहिएगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है भारत भारती, देखें ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, वेद व्यास द्वारा रचित रचना है, कौन सी उनके द्वारा रचित रचना है। देखिए ए नंबर पे है रामायण, बी में है महाभारत, सी में है पंचतंत्र और डी में आया है गीतांजलि। तो जानते रहेगा वेद व्यास द्वारा रचित रचना है महाभारत। तो देखिए कहाँ आया है, ये ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, बुद्ध चरितम किसकी रचना है, मतलब बुद्ध चरितम के रचयिता कौन है। देखिए ए नंबर पे आया है अश्वघोष, बी में है बाण भट्ट, सी में है सूरदास और डी में है कालिदास। तो जानते रहेगा बुद्ध चरितम रचना है अश्वघोष जी की। तो देखें ये ऑप्शन कहाँ आया, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है या अभिज्ञान शकुंतलम के कौन रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए आया है गोस्वामी तुलसीदास, बी में है सूरदास, सी में है कालिदास और डी में है कबीरदास। तो जानते रहिएगा अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी की रचना है। देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया, ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है, देखिए ए में है अर्थशास्त्र, बी में है मिताक्षरा, सी में है मालती माधव और डी में है अष्टाध्याय। तो जानते रहिएगा चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। देखिए ऑप्शन कहाँ आया, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा जानते रहेगा महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मतलब सत्य के प्रति या सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये उनके द्वारा लिखी गई रचना है, इसको ऐसे आपको लर्न कर लेना है। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे और अगर आ गए तो उसको आपको कैसे पहचानना है। और देखिए सारी चीजें आप बाई प्रैक्टिस से ही गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज कितना रखते हैं, और हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।